नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट ने ई मित्र धारकों के लिए एक नया अपडेट लागू किया है। वो ई मित्र धारकों के लिए किस तरह से अच्छा भी है और किस तरह से बुरा भी है, पूरी चीजें अपने इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि ई मित्र की राजस्थान के अंदर कितने ई मित्र है, हर जगह हर नुक्कड़ पे आपको ई मित्र मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो न्यूज है आप देख भी सकते हैं, फिलहाल जो ये न्यूज है अलवर जिले के अंदर आई है। अलवर जिले के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि जो न्यूज है इसके अंदर भी दे रखा है, और वैसे भी ई मित्र जो है ये अलवर जिले में सबसे ज्यादा ई मित्र है, 90,000 से ऊपर ई मित्र थी। लेकिन गवर्नमेंट ने पहले एक नया रूल निकाला था, और आप सभी को भी पता है इस चीज के बारे में कि अगर महीने में आप 10 ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो आपकी आईडी बंद हो जाती है, या फिर आपको चालान देना पड़ता है। कुछ पेमेंट 500 रुपए के लगभग आपका चालान लगता है, और उसके बाद में आपकी वापिस से आईडी चालू हो जाती है। लेकिन अगर आप 3 महीने तक लगातार ई मित्र नहीं चलाते हैं तो आपकी 9 महीने तक आईडी बंद हो जाती है, और आपको 1,000 रुपए तक का भी चालान भरना पड़ जाता है। इस कारण से दोस्तों, जो अलवर जिला है उसके अंदर 90,000 से होकर 80,000 पर जो ई मित्र आईडी है वो आ गई थी, लेकिन फिर भी भीड़ बहुत ज्यादा है। इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला है। इसको अभी जो न्यूज आई है वो अलवर जिले में आई है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये पूरे राजस्थान के अंदर एग्जाम होने वाली है। लेकिन हाँ दोस्तों, जो अलवर जिला है उसके जो न्यूज है उस न्यूज के अंदर आई है कि जितने भी ई मित्र धारक हैं उन सभी की एग्जाम होने वाली है। 2 एग्जाम होगी, एक होगी मेंस, एक होगी प्री और मेंस, 2 एग्जाम होगी। ओके, और उसके अंदर आपको ई मित्र से रिलेटेड सभी सवाल पूछे जाएंगे। वो सवाल कोई से भी हो सकते हैं, ई मित्र सर्विस को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है आपको कि जो सर्विस है ये सर्विस आपको किस तरह से ऑनलाइन करना है, किस तरह से अप्लाई होता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो कैंडिडेट है उनके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म है उनके ऊपर किन किन के फॉर्म होंगे, सिग्नेचर होंगे, सभी पूछे आपको इस जो मतलब एग्जाम लगेगी उसके अंदर सब चीजें पूछी जा सकती है। लेकिन अगर जो कैंडिडेट इसके अंदर मतलब पास नहीं होता है, वो भी अभी डिसाइड नहीं किया है इसके अंदर कि जो पास नहीं होगा उनकी आईडी परमानेंट बंद कर दी जाएगी या फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ये अभी तक नतीजा सामने नहीं आया है कि इनका क्या किया जाएगा। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि सभी जो भी ई मित्र धारक है उन सभी की एग्जाम होने वाली है। तो आप इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी कैंडिडेट ई मित्र खोल के बैठे हैं वो ई मित्र के काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो ई मित्र खोल के बैठे हैं, अदर कोई काम कर रहे हैं उसके साथ साथ में, तो केवल ई मित्र का ही कर पाएंगे, और साथ में अगर उनको नॉलेज होगी तो ही वो ई मित्र चला पाएंगे, वरना उनकी आईडी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और आपको इसके बारे में बताना जरूरी था। और जब भी एग्जाम होगी और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अपने दोस्त तक, जो भी दोस्त आपका ई मित्र चलाता है उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ओके, और कोई भी अदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में, उसके जो भी कमेंट आएगा मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।